नमस्कार, मैं हूं श्रेया। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मेदांता के एयर एम्बुलेंस बैंकॉक के पास क्रैश हो गया। उस समय उसमें 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। हादसे में पायलट की मौत हो गई है, जबकि 4 क्रू मेंबर्स घायल। रेप केस में फरार चल रहे कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सरकार गवर्नमेंट इलेक्शन के नतीजे आने के बाद उनकी संपत्ति की जाँच करने के लिए कह सकती है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए एंटी ब्लास्टिक मिसाइल तैनात कर दी है। वहीं उत्तर कोरिया भी आक्रमण के लिए तैयार। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रैवल बैन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया है। इस बार 6 मुस्लिम देशों के सिटीजन को अमेरिका आने पर रोक लगाई। अमेरिका ने अपने सिटीजन के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि अगर वहाँ पे लोग भारत गए हैं या भारत जा रहे हैं तो सतर्क हों, क्योंकि वहाँ पर कट्टरपंथी संगठन एक्टिव। यूपी में मैदान प्रचार में कार ठोकने के बाद अब मोदी गुजरात की तरफ रुख मोड़ चुके हैं। आज से वे अपने राजगृह में 2 दिन के दौरे पर हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में मतगणना की तैयारियां आज शाम तक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में कुल 15 केंद्रों में मतगणना होगी। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अब 1 महीने में 5 ट्रांजेक्शन के बाद ATM चार्जेस लगा दिए हैं। इसके पहले 3 और बैंक ऐसा कर चुके हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में दूसरा स्थान मिला है। वहीं 2016 के सर्वे के हिसाब से IGI एयरपोर्ट की रैंकिंग में सुधार आया। आने वाले समय में राजधानी एक्सप्रेस से चलने वाले यात्रियों के लिए अब बर्थ बुक करने में और आसानी होगी। यात्रियों के लिए हर राजधानी एक्सप्रेस में 2 अतिरिक्त कोच जोड़े जा रहे हैं। आज फटाफट में बस इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करिए हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार।